दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Redmi Y1 का जो है माई अकाउंट किस तरह से रिमूव करना है मेडिकल बॉक्स से। और इसमें बता दूं कि इसमें जो IC लगा हुआ है क्वालकॉम CPU है 8940 और इसका आइडियल मोड कैसे आएगा तो ये आपको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहें और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप इस मोबाइल का MI अकाउंट किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों MI Redmi Y1 Note 5 का जो MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए आपको मेडिकल बॉक्स ओपन करना होगा। चलिए हमने मेडिकल बॉक्स ओपन कर लिया है और उसके बाद चलिए हमें यहाँ पे क्वालकॉम टूल सेलेक्ट करना है। क्वालकॉम टूल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जो है पोर्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है चलिए हम यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं QD लोडर 9008। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मॉडल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस मोबाइल का जो है मॉडल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि अगर आप गलत मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो MI अकाउंट रिमूव नहीं होगा। ठीक है तो हमने यहाँ पे जो परफेक्ट मॉडल नंबर था उसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चलिए अब इस मोबाइल का MI अकाउंट हम यहाँ से अनलॉक करते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है सिर्फ स्टार बटन पर क्लिक देना है और जैसे हम यहाँ पे स्टार बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारा मोबाइल यहाँ पे जो है बूट करेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है बूट कर चुका है और MI अकाउंट यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का जो आइडियल मोड हमने लाया था तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको मोबाइल का ढक्कन निकालना होगा और आपको यहां पर जो टेस्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ठीक है ये दोनों टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है। लेकिन शॉर्ट करने से पहले आपको जो है बैटरी कनेक्टर निकाल देना है। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद आपको पहले डाटा केबल लगाना है और डाटा केबल लगाने के बाद आपको कम से कम तकरीबन जो है आधा मिनट जो है आपको जो है शॉर्ट करके रखना है। उसके बाद आइडियल मोड जैसे आएगा आपको ठीक है आपको शॉर्टिंग हटा देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।